啊。Ah, ah, 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 ah. बसमा रही सूबा सिंध जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है दुनिया में कदीम तरीन तहजीबों में से एक तहजीब सूबा सिंध की भी पाँच हज़ार साल पुरानी इंसानी तहजीब किस किस्म की थी सबसे पहले तारीख़ी पस मंज़र देख लेते हैं पानी ज़िंदगी का सरमा हयात है, जिसके बग़ैर ज़मीन पर इंसानों जानवरों और परिंदों की ज़िंदगी का तस्वुर नामुमकिन है कदीम तहजीबें सबकी सब, सब दरियाओं के किनारों के नज़दीक आबाद हुआ करती थीं क्योंकि पानी के असूल के बग़ैर गुज़ारा नामुमकिन था कदीम मिस्री तहज़ीब दरियाए नील और दरिया कुलज़ुम पर आबाद थी इराक़ या बाबल की तहजीब दरियाए दजला और फरात के नज़दीक आबाद थी वादी सिंध की तहजीब आज से पाँच हज़ार साल पहले दस लाख मरबा किलोमीटर पर मुहित थी दरियाए सिंध अरबी समंदर से लेकर गंगा नदी तक तकरीबन पचास लाख अफराद की आबादी पर मुहित थी याद रहे कि यह आबादी या ये तहजीब जो वादी सिंध की तहजीब थी वो उस वक्त भी बाबुल और मिस्र की तहजीबों से बहुत बड़ी थी कुछ के नज़दीक आज से हज़ारों साल पहले बड़ा आदम एशिया का वजूद था जिसमें बड़ी भी शामिल था इसी बड़ा आदम एशिया में हमालिया पहाड़ी सिलसिला भी मौजूद था संस्कृत ज़बान में हमालिया के मानी बर्फ़ की जगह है याद रहे कि हमालिया पहाड़ों का सिलसिला चीन के तिब्बत सतह मुतफ़ा के इलाक़े को बड़े सगैर से अलग करता है इसी तरह का पहाड़ी सिलसिला आठ मुल्कों से गुज़रता है और पैंतीस सौ किलोमीटर तवील है इसके मशरक़ में अफ़ग़ानिस्तान और मगरब में बर्मा या म्यांमार वाक़ है ये पहाड़ पानी के बहाव और हवा पर भी असरानंदाज होते हैं हमालिया हिंदोक खत् बर्फ़ीली पहाड़ों की जब बर्फ़ पिघलती है तो इसमें से आठ बड़े दरिया जारी होते हैं यानी इस खत्ते से आठ बड़े दरिया निकलते हैं और बड़े बड़ाज़म एशिया के की ज़मीनों को सैराब करते हैं नंबर पहला दरियाए सिंध जो तीन हज़ार एक सौ अस्सी किलोमीटर तवील है नंबर दो दरिया आमों ये 2400 किलोमीटर तवील है गंगा जो इंडिया और बंगलादेश में बहता है इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है नंबर चार ब्रह्मपुत्रा या यारलिंग संपो दरिया जो तिब्बत यानी चीन के इलाके में बहता है ये 1125 किलोमीटर तवील है और ये दरिया दुनिया का काफ़ी ऊंचाई पर बहने वाला दरिया है नंबर पाँच इरावदी या आजकल उसे अयारवदी दरिया जो बर्मा या म्यांमार में बहता है ये 2288 किलोमीटर तवील है सलवेन दरिया जो तिब्बत के सतह मरतफ़ा से शुरू होकर चीन म्यांमार और थाईलैंड के इलाक़ों को सैराब करता है और ये बत्तीस सौ के करीब करीब किलोमीटर तवील है नंबर सात मीकोंग दरिया ये दरिया चीन के इलाके तिब्बत म्यांमार लाओस थाईलैंड, कम्बोडिया और जनूबी वियतनाम के इलाकों को सैराब करता है ये दरिया चार हज़ार किलोमीटर तवील है नंबर आठ जनसी दरिया तिब्बत सतह मतफ़ा से होकर चीन के अच्छे खासे इलाकों को सैराब करने वाला ये दरिया 6,300 किलोमीटर तवील है जो बिल आखिर चाइना सी में दाखिल हो जाता है दरिया सिंध हमालिया पहाड़ों और तिब्बत के मगरबी इलाके में एक बुलंदों पहाड़ कैलाश भी है कैलाश पहाड़ के शिमाल मगरबी पहाड़ों से फूटने वाले पहाड़ी चश्मों झरनों से जन्म लेने वाला दरिया दरअसल दरिया सिंध के नाम से जाना जाता है ये दरिया तिब्बत कैलाश पहाड़ के, के करीब से गुज़र कर लद्दाख मकबूज़ा कश्मीर के इलाके से होता हुआ नागा पर्वत से होता हुआ जुनूब की तरफ मुड़ता हुआ गलगत बल्तिस्तान खैबर पख्तूनखवा पंजाब और फिर सूबा सिंध से गुजर कर विलखर अरबी समंदर में जा मिलता है जिन इलाकों से यह दरिया गुजरता है उनमें ली इसक़र्दू, दासू बदशाम सवाबी डेरा इसमाइल खान मियाँ वाली भक्खर सखर हैदराबाद और कराची से गुज़रता हुआ बिल आखिर बहरा अरब या अरबी समंदर में शामिल हो जाता है वादी सिंध की तहजीब या इंडस वैली सिविलाइजेशन इसकी जोग्राफिया हदूद काफ़ी वसी और अरीज़ रकबे पर महित थी जोग्राफियाई और तारीख़ी एतबार से वादी सिंध की हदूद मशरक़ में पाकिस्तान और हिंदुस्तानी इलाकों से तक मगरब में ईरानी सरहद तक जनूब में हिंदुस्तान के गुजरात के इलाके और शिमाल में वस्त एशियाई तक फैली हुई थी वादी सिंध की तहजीब उस वक्त की तहजीब और तमदन के एतवार से जो इलाके मशहूर थे उनमें मन जो दाड़ो लोथल ढोलावेरा शामिल थे महक्कीन की राय के मुताबिक मोहन जो हज़ार साल पुराना है लेकिन ये हतमी राय नहीं सन अठारह में ताजे बरतानिया ने पूरे बरे सगीर पाक हिंद पर अपने डेरे डाल लिए थे लेकिन मोहन पर बात करने से पहले बेहतर होगा कि हम सुबह सिंध के ज़िला लाड़काना के बारे में कुछ बात कर लें लाड़काना का पुराना नाम चांद का था क्योंकि यहाँ बलोच कौम का चानदिया कबीला आबाद हुआ करता था बाद में लाड़ कौम के आबाद होने से इस इलाक़े का नाम लाड़काना पड़ गया लाड़काना के नाल की जनूबी किनारे पर वाक़ है ज़िला लाड़काना का कुल रकबा उन्नीस सौ अठतालीस मरबा किलोमीटर है सन दो हज़ार सत्रह की मरदमशुमारी के मुताबिक ज़िले की आबादी पंद्रह लाख इक्कीस हज़ार सात सौ छियासी अफराद पर मुश्तम थी जबकि दो हज़ार तेईस की मरदमशुमारी के मुताबिक सत्रह लाख चौरासी हज़ार चार सौ तिरपन अफराद पर मुश्तम है इस ज़िले में पाँच तहसीलें हैं जिनमें डोकरी बाकरणी लाड़काना रतो देरो और नौ देरो। सन 2005 में सूबा सिंध के वजीर अला अरबा ग़ुला रहीम के दौर अकतदार में ज़िले लाड़काना को दो हिस्सों में तकसीम करके एक नया ज़िला कंबर शहदाद कोट भी बनाया गया इस फैसले के ख़िलाफ़ ज़िला भर में एहताज होते रहे और उन एहताजों के नतीजे में काफ़ी माली और जानी नुकसान भी हुए बहरहाल हमारे आज के सबक का ताल्लक़ ज़िला लाड़काना की तहसील डोकरी के इलाके महानजुदाड़ों से है जो ज़िला लाड़काना के सदर मकाम लाड़काना शहर से 27 किलोमीटर दूर वाक़ है तहसील डोकरी ढाट की जबान में लड़की को डोकरी कहा जाता है तहसील डोकरी लाड़काना ज़िले की पाँच तहसीलों में से एक तहसील है इसकी हदूद ज़िला दादू से जा मिलती हैं माजी में डोकरी को लबे दरिया भी कहा जाता था यह तहसील चार मरबा किलोमीटर पर महित है सतह समंदर से एक सौ अट्ठाईस फिट बुलंदी पर वाक़ होने के साथ साथ देही और शहरी आबादी का संगम भी है उन्नीस सौ अट्ठानवे की मर्दमशुमारी के मुताबिक इस तहसील की आबादी एक लाख पच्चीस हज़ार जबकि इसमें तेरह यूनियन काउंसिलें हैं दो हज़ार सत्रह की मर्दम शुमारी के मुताबिक इस तहसील की कुल आबादी दो लाख चौबीस हज़ार नौ सौ उनसठ अफराद पर महीत है सूबा सिंह में इस वक्त छः हैं और उनमें से एक डिवीज़न लाड़काना भी है लाड़काना डिवीज़न में जो अजला शामिल हैं उनमें ज़िला लाड़काना ज़िला कंबर शहदाद कोट ज़िला जेक ज़िला शिकारपुर ज़िला कश्मोर कंदकोट मह के मुताबिक खुदाई का आगाज़ सन उन्नीस सौ बीस से पहले ही सर्वे डिपार्टमेंट की जानब से हो चुका था जॉन मार्शल ने अपनी ज़ाती दिलचस्पी और माहरीन की खिदमत हासिल करने के बाद थोड़े ही अरसे में काफ़ी छुपे हुए राजों से पर्दा उठा लिया था कुछ माकिन किराए में मौजूद की तहजीब चार हज़ार साल पुरानी होने के साथ साथ अपने वक्त के महसिब और बाकायदा वेल एडमिनिस्ट्रेटेड सिविलाइजेशन थी शहर में गलियाँ और मकान अच्छी तरह से किसी माहिर की निगरानी में तरतीब दिए गए थे इस शहर खमोशा में पानी के हौज़ों के निशानात भी पाए गए हैं जिनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ के मकीन जानवरों और अपनी ज़िंदगी की बका के लिए पानी को स्टोर करने के तरीक़े भी जानते थे कुछ माहन के मुताबिक लोगों के रहन सहन के अंदाज़ अपनी मिसाल आप थे। बर्तन और खाने पीने के मुख्तफ और ज़िंदगी से भरपूर तरीके राज थे इस सबक को मरतब करने में लाइब्रेरी में मौजूद जिन कुतुब से इस्तर किया गया वो 1960 से पहले और काफ़ी मुस्ंद कुतुब थी उस दौर में रंगीन कैमरे मैसर नहीं हुआ करते थे लिहाजा उन कुतुब में जो तस्वीर तो मैसर थीं वो ब्लैक एंड वाइट क्वालिटी में ही सबक में शामिल की गई हैं मोन जो दारो या शहरी खामोशा से मिलने वाले नवादरात इस चीज़ के अनदार हैं कि उस वक्त भी यहाँ के मकिनों में मजहबी रुझाना मौजूद थे जबकि दूसरी तरफ एक रकाशा औरत की मवती से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि माशरे में लिबास और औरत की ज़िंदगी क्या हो सकती है आखिरी बार बड़ी खुदाई का काम सन उन्नीस सौ अस्सी में हुआ था लेकिन इसके बाद माहरीन ने खुदाई का काम बंद कर दिया था लेकिन उस वक्त तक सिर्फ़ 20 परसेंट ही खुदाई का काम हो चुका था इस वक्त भी अलमियाँ ये है कि मोहन जो पर तक एक सदी से ज़्यादा तहक़ीक़ होने के बावजूद हम इसकी असलियत या औरिजन और इस शहर के उजड़ने की वजूहत से ला है तमाम माहरीन के मुखलिफ आरा के मुताबिक मुमकिन है कि दरिया सिंध के बहाव का रुख तब्दील हो गया या एन मुमकिन है कि कोई कुदरती आफत ने उन्हें घेर लिया हो कुछ माहरीन के मुताबिक किसी आसमानी आफत के नतीजे में यह शहर तबाह हो गया था माहरीन के मुताबिक जो बड़ा साबुत यहाँ से दरिया हुआ है मुमकिन है कि वह इस शहर के फरमा और मजहबी रहनम थे जिसकी रियाया उसके साथ ही न जाने कहाँ चली गई महकमा आसार कदीमा हुत सिंध की जानब से इस शहरी खामोशा के नवादरात को महफूज़ करने के लिए घर भी बनाया गया है मुल्की और गैर मुल्की सयाह और माहरीन रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर आते हैं और नवादरात और पाँच हज़ार साल पुरानी तहजीब के आसारों से इस्तः हासिल करते हैं याद रहे कि हाल ही में सन दो हज़ार बाईस में शद बारिशों के नतीजे में इस शहर खमोशा के नकोश मिट जाने का अंदेशा पैदा हो गया था याद रहे कि हाल ही में सन 2022 की शदीद बारिशों के नतीजे में इस शहर खमौशां के नकोश मिट जाने का अंदेशा पैदा हो गया था जिसके लिए हुकूमत सिंध की जानब से बर वक्त इकदाम उठाए गए हैं इस शहर खमोशा के बीचों बीच एक बड़े तालाब के आसार भी मिले हैं माह्रन के मुताबिक ये पानी के ज़खीरा करने के लिए बनाया गया था माहन की एक राय यह भी है कि शायद किसी बीमारी के बैस यहाँ के मकिन फोत हो गए हों लेकिन उनकी हड्डियाँ उनके घरों में मौजूद होनी चाहिए थी जो कि मौजूद नहीं बस चार की गलियों में पुख्ता फश और तमीरत इस बात के अक्का हैं कि यहाँ के मकिन फन तमीर से अच्छी तरह वाक़ रखते थे मांज की खुदाई से मुख्तफ़ अकसाम के औज़ार भी मिले हैं जिनसे यहाँ की तर्ज़ ज़िंदगी और रोजमर्रा के काम काज का भी पता चलता है मांगज की खुदाई से मट्टी से बने हुए बच्चों के खिलौने भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि यहाँ के मकीन अपने बच्चों के खेलने का सामान खुद ही बनाया करते थे मंजूद की खुदाई से बच्चों के मट्टी से बने हुए खिलौने भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि यहाँ के मकीन अपने बच्चों के खेलने का सामान खुद ही बनाया करते थे आम आमदोर के लिए बैलगाड़ी भी इस्तेमाल की जाती थी और नवादा में मख्तल अकसाम की महरें भी मिली हैं जिनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये शहर काफ़ी कामों से वाकिफ था वल्लम uh -huh.